गबरूज, आई एम बैक और मेरे साथ आई है गर्मी भी वापस। और गर्मी के साथ आती है बहुत सारी समस्याएं, जैसे बदबू, पसीना, एक्ने, पिंपल्स और टैनिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, और जो सबकी जड़ है वो है टैनिंग, जिससे आपके स्किन में प्रॉब्लम होती है, जिससे आपको एक्ने होंगे, इरिटेशन होगी। तो शुरू करते हैं कि टैनिंग होती कैसे है, टैनिंग होती क्यों है, टैनिंग को हटाने के लिए क्या क्या देसी नुस्खे हैं, और क्या फिर कोई प्रोडक्ट है तो टैनिंग को हटा सकता है। तो बॉयज एंड गर्ल्स, टैनिंग होती कैसे है? जब आपकी बॉडी सनलाइट से एक्सपोज होती है तो सनलाइट में यूवी रेज होती है जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है और आपके बॉडी के स्किन को डैमेज करती है। इसके लिए आपकी बॉडी मेलेनिन प्रोड्यूस करती है, जो एक पिगमेंट है जो डार्क कलर का होता है। तो जब मेलेनिन प्रोड्यूस होता है वो आपकी बॉडी को सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है ताकि आपकी स्किन डैमेज ना हो। लेकिन मेलेनिन होता है डार्क कलर का, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन टोन होती है वो डार्क हो जाती है। और जो टैनिंग का इफेक्ट होता है ना, वो क्यूमुलेटिव होता है। मतलब अगर एक बार आपको टैनिंग हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार हो गई और उसके बाद टैनिंग नहीं होगी। टैनिंग बढ़ती जाती है और आपकी स्किन और डार्क डार्क एंड डार्कर हो जाती है। और जब टैनिंग होती है ना, टैनिंग की वजह से आपकी स्किन डैमेज होती है। जैसे आपकी स्किन जल्दी एज करने लगती है, आपकी स्किन ब्रेक करती है, आपको रिंकल्स हो सकते हैं, आपको पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम भी होती है। और हाँ, अगर आपको लगता होगा कि आपकी स्किन ड्राई है या फिर ऑयली है या फिर कॉम्बिनेशन टाइप है तो टैनिंग आपको छोड़ देगी। ड्यूड, टैनिंग किसी की स्किन को नहीं छोड़ती है, समझे? तो अब ये तो पता लग गया है कि टैनिंग होती क्यों है, टैनिंग होती कैसे है और टैनिंग किस किस को हो सकती है। अब टैनिंग हटाने के क्या क्या तरीके हैं, घर बैठे बैठे हम टैनिंग को कैसे हटा सकते हैं। नंबर वन सोल्यूशन इज एक्सफोलिएट। आप एक स्क्रब ले सकते हो और अपनी स्किन को रब करो अच्छे से। ज़्यादा ज़ोर से मत करना, नहीं तो आपकी स्किन पर रैशेज आ जाएंगे या फिर इरिटेशन होगी। हल्के से एक्सफोलिएट करो, उससे क्या होगा, जो आपकी स्किन के ऊपर एक डेड स्किन की लेयर डिपॉजिट हो गई है वो रिमूव होगी और जो लाइटर टोन है वो दिखने लगेगी। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, सॉफ्ट है, तो स्क्रब या फिर स्पंज से दूर रहो। एक टॉवल यूज़ करो, वेट टॉवल, और उससे स्क्रब करो। दूसरा सोल्यूशन टैनिंग को रिमूव करने के लिए आपके फ्रिज के अंदर है, वो है नींबू। नींबू है रिच विटामिन सी में, जो आपकी स्किन से टैनिंग रिमूव करने में, आपकी स्किन से रिंकल्स रिमूव करने में, एक्नेस रिमूव करने में हेल्प करता है। तो करना क्या है, एक पूरा नींबू लेना है, उसको स्क्वीज करना है, उसमें पानी मिलाना है इक्वल क्वांटिटी में, ज़्यादा मत मिलाना नहीं तो नींबू का असर चला जाएगा। उसके बाद अपनी दो फिंगर्स या फिर एक कॉटन पैड लो, अच्छे से अपने फेस पर या फिर अफेक्टेड एरिया पर लगाओ, 10 मिनट रुको और नॉर्मल पानी से वॉश करो। याद रखना, प्रोसेस थोड़ा स्लो है और एकदम से रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ये आपको महीनों तक करना होगा, समझे? तीसरा सोल्यूशन बहुत ही आसान सोल्यूशन है, ना आपको फ्रिज खोल के नींबू ढूंढना है, ना फिर आपको अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है स्क्रब या फिर स्पंज से। तीसरा सोल्यूशन वन स्टेप सोल्यूशन है, एंड द सोल्यूशन इज अर्बन गबरू का डी टैन फेस पैक। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि डी टैन फेस पैक टैनिंग पर कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई फेयरनेस क्रीम नहीं है। अगर आपकी स्किन डार्क है तो ऐसा मत सोचना कि प्रोडक्ट को अप्लाई करने के बाद आप बहुत ज़्यादा फेयर हो जाओगे। इट्स अ डी टैन फेस पैक। ये प्रोडक्ट आपकी स्किन से टैनिंग कम करेगा। तो मैकेनिज्म कुछ इस तरह है, जब आप प्रोडक्ट को अप्लाई करते हो तो ये प्रोडक्ट जो बॉडी के अंदर मेलानिन प्रोड्यूस हुआ है उस मेलानिन की क्वांटिटी को कम करेगा। मतलब आपके अंदर जो मेलेनिन प्रोड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से आपकी स्किन की टोन डार्क हुई है, उसको ये कम करने की कोशिश करेगा। इस वजह से कुछ लोगों को, जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है, उनको टिंगलिंग सेंसेशन फील हो सकती है। तो डोंट वरी, इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल। वो सिर्फ आपकी स्किन पर से मेलेनिन को हटाने की कोशिश कर रहा है। एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये एकदम से इफेक्ट नहीं देगा। आप ये मत सोचना कि आपने प्रोडक्ट को लगाया और एकदम से आपकी स्किन फेयर हो गई है या फिर आपकी स्किन टोन एक शेड फेयर हो गई है, ऐसा नहीं है। स्लो इफेक्ट है लेकिन इफेक्टिव है। प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है वो तो बताया था हूँ आपको, पहले अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ आपको। तो प्रोडक्ट यार सिंपल नॉर्मल ट्यूब की तरह आएगा आपको, लाइक दिस। अप्लाई करने का तरीका है, आपको अपने फेस पर इसको एक फेस पैक की तरह लगाना है। प्रोडक्ट को अच्छी क्वांटिटी में लेना, नॉर्मल मॉइस्चराइजर की तरह लगाकर गायब कर दिया तो फिर कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। थिक लेयर आ जानी चाहिए आपकी स्किन पर, पूरे फेस पर और नेक पर भी। हम में से बहुत लोग गलती करते हैं कि सिर्फ अपने फेस को कवर करते हैं टैनिंग से हटाने के लिए, लेकिन जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो टैनिंग के लिए, वो नेक तक यूज़ करना चाहिए आपको। अच्छे से थिक लेयर प्रोड्यूस करो, थिक लेयर जमाओ, बनाओ। उसके बाद 15 से 20 मिनट वेट करो, थोड़ी टिंगलिंग सेंसेशन होगी। फिर से बोल रहा हूँ सेंसिटिव स्किन वालों को, क्योंकि मेलानिन हट रहा है बस, तो डोंट वरी। उसके बाद ल्यूकवॉर्म वाटर यानी गुनगुने पानी से फेस को वॉश करो, एंड दैट्स इट, काम हो गया। कोई नींबू की झंझट नहीं,
कोई एक्सफोलिएट करने की झंझट नहीं है, प्रोडक्ट लगाया, पानी से धोया एंड सॉल्व। अब आप सोच रहे होगे कि प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, तो प्रोडक्ट को आप अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मंडे यूज़ किया, उसके बाद वेंसडे यूज़ करो, उसके बाद फ्राइडे को ब्रेक लेके सैटरडे को यूज़ करो। आप दिन में यूज़ करोगे प्रेफरेबल होगा, लेकिन आप रात को भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट तो कभी भी काम करेगी ना अपना। तो आप इसे बहुत लोग सोच रहे होगे कि बहुत सारे लोग सैलॉन में जाके डिटैनिंग कराते हैं। येस, दैट इज़ वन सोल्यूशन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें जो वो क्वान्टिटी यूज़ करते हैं उसको मेजर करना पड़ता है, वो अगर ज़्यादा हो गई तो आपकी स्किन पर रैशेज हो सकते हैं। उसको कब हटाना है, कैसे यूज़ करना है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल से सोल्यूशन है ना, घर बैठे बैठे 15 मिनट, और हाँ, इसको 15 से 20 मिनट के बाद यूज मत करना। फिर मुझे मत बोलना कि स्किन पे कुछ हो गया है, 15 से 20 मिनट इज द राइट टाइम टू यूज द प्रोडक्ट। और एक बार हाँ फिर से बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ फेयरनेस क्रीम, इट्स अ डीटैन फेस पैक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने से पहले, इस प्रोडक्ट को मसाज नहीं करना है, मैंने पहले बताया हुआ है। मॉइस्चराइजर की तरह लगाया और गायब कर दिया, ऐसे नहीं करना है। अच्छे से क्वांटिटी लेनी है और अप्लाई करके छोड़ देना है। नंबर टू, आप इस प्रोडक्ट को जब भी आप यूज़ करो, आप सेफली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें एलोवेरा एंड विटामिन सी के एक्सट्रैक्ट्स हैं, सो डरने की कोई बात नहीं है। तो आई गेस आप लोगों के सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मैंने बता दिए हैं, एक ही सोल्यूशन है। तो अगर आपको टैनिंग की प्रॉब्लम हुई है, या फिर सूरज ने आपको एक मस्त पप्पी दी है, तो ये प्रोडक्ट है, पप्पी का इफेक्ट हटाओ, यानी कि टैनिंग हटाओ और प्रोडक्ट यूज़ करो। सो आई होप आप लोगों को प्रोडक्ट इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आप लोगों की हेल्प करे, आप लोगों को टैनिंग से छुटकारा दे। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं तभी के तभी आंसर करूंगा। और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई है हेयर रिमूवल के ऊपर और हेयर वॉल्यूमाइजिंग के ऊपर, तो चेक करो और मुझे बताओ वीडियोस कैसी लगी। अब जब आपको पता लग गया है कि प्रोडक्ट कितना फ़ायदेमंद है, कितना बेनिफिशियल है, तो प्रोडक्ट को खरीदना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ अभी लिंक पर और प्रोडक्ट को खरीदो। टैनिंग भगाओ, बाय बाय।